इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीताराम येचुरी। देख सकते हैं सीताराम येचुरी शरद पवार के साथ में, जो तमाम जो नेता पहुंचे थे फतेहाबाद में रैली को संबोधित करने के लिए, वहां पर वो पहुंचे हैं और विपक्ष की एकजुटता की एक तस्वीर भी नज़र आई है। शरद पवार जो है यहां से उन्होंने कहा कि 2024 में जब हम सरकार में आएंगे तो उन तमाम वादों को पूरा करेंगे जो इस सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, फिर चाहे वो रोज़गार देने का हो, महंगाई कम करने का हो, या ऐसे तमाम वादे जिनको वादा करके सत्ता में आई थी सरकार लेकिन उन पर जो है वो खरा नहीं उतरी है। तो एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो ये पहुँचे थे फतेहाबाद में, और ये सवाल ये भी है कि क्या ये वो मोर्चा है जो बीजेपी को 2024 में चुनौती देगा। हालांकि सबके बीच में सीताराम येचुरी साहब हमारे साथ में हैं। सर, क्या तीसरे मोर्चे की बात होगी या कोई एक ही मोर्चा? एक ही मोर्चा। आप मंच से अभय चौटाला जी ने कहा कि हमको तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ना चाहिए, उनकी वो परिभाषा थी। आने वाले दिनों में कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा आपको लगता है कि मुमकिन होगा या नहीं हो सकता, इसी वजह से सिर्फ एक ही मोर्चा मुख्य मोर्चा होगा ये देश को बचाने का? पहला, दूसरा, तीसरा कोई नहीं। वो पुरानी परिभाषा जो थी उसकी बात हो रही है, जो परिभाषा बदल चुकी है, परिभाषा बदल चुकी है। हमेशा सवाल रहा है वो एकजुट होगा उस पर। आप वोट किसको डालते हो? नहीं, एमपी को डालते हो, पीएम को डालते हो, किसको डालते हो? अरे साफ तौर पर अगर हम सीताराम येचुरी की बात करें, उनका यही कहना है कि देखिए मुख्य मुद्दा एक मोर्चा होगा और वही मोर्चा बीजेपी को हराएगा। वो पुरानी परिभाषा हो चुकी है तीसरे मोर्चे की, तो अब तीसरे मोर्चे का कोई सवाल नहीं है। यानी कि तमाम जो नेता अब बात इसी बात पर जोर दे रहे हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ एक मोर्चा होगा जो बीजेपी को 2024 में देगा टक्कर। सहयोगी कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़ फतेहाबाद।